नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई अब बड़ी खुशखबरी। तिवारी सीजन पर सरकार ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 8वें वेतन आयोग को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये, करोड़ों कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब लेकर आ रही है और 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों की हो गई है बल्ले बल्ले। 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, अगले 5 महीने के अंदर 8वें वेतन आयोग की स्थापना होने जा रही है। सरकार के माध्यम से यहां पर न्यूनतम जो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये कर दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन भी अब बढ़ जाएगी, जो कि यह कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जो वेतनमान का स्ट्रक्चर है वह भी पूरी तरह से बदलने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। जुलाई दिसंबर पीरियड हेतु जो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है उसे केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 53% हो गया और बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। दोस्तों, कर्मचारी पेंशनर्स को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में यह अब देखा जा रहा है। आप सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा, इसकी सिफारिश कब से लागू होगी। सबसे बड़ा सवाल तो वर्तमान में यही है। दोस्तों, केंद्र सरकार के माध्यम से 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान होने जा रहा है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इस सवाल का जवाब 10 सालों से मांग रहे थे, लेकिन उनका इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, आगामी जो बजट 2025 का होने वाला है उसमें 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं पर केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार बजट के दौरान यह ऐलान करती है तो इसे लागू करने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन में क्या बदलाव होगा कि पिछले 6वें 7वें वेतन आयोग के दौरान जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो फिटमेंट फैक्टर था वह 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 ही तय किया था। वेतन और पेंशन की जो कैलकुलेशन है वह भी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार एक महत्वपूर्ण मानक तय करती है। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर अगर 2.57 है, इस हिसाब से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी और न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई थी। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफ़ी तेज चर्चा इधर उधर हो रही है। पिछली बार 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग के हिसाब से सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को सिर्फ 2.57 किया था, लेकिन अब जानकारी के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 17,280 के करीब हो जाएगी। बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग की स्थापना होती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।